नमस्कार साथियों, आज हम करेंगे कक्षा 12th का चैप्टर 7 है मैथ का इंटीग्रल्स, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ज़्यादातर क्वेश्चन इस चैप्टर से किस में आएंगे, सब्स्टिट्यूशन वाले से आएंगे। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर देखिए 1 + sin 2x है, इसका मतलब ये इंटू हटाना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर क्या ट्रिक लगेगी, जो 1 + sin 2x है उसको 1 को हम क्या ले सकते हैं, sin²x + cos²x लिख देंगे इस 1 को। तो क्योंकि sin²x + cos²x आपको पता 1 होता है, sin²x क्या होता है आपके पास 2 sin x cos x होता है, बाहर इसके क्या अंडर रूट है। पहले मैं नीचे वाली टर्म आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा sin x + cos x का क्या हो जाएगा होल स्केयर, और ऊपर आपके पास क्या है अंडर रूट, अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा, sin x + cos x बचेगा सर। ठीक है, तो यानी इस की जगह मैं डिनोमिनेटर की जगह क्या ले सकता हूँ, sin x + cos x ले सकता हूँ। अब सॉल्व कर लो आप, ऊपर क्या आपके पास sin x + cos x और नीचे भी क्या है आपके पास sin x + cos x dx, इसका निकालना है। ये कट गया आपके पास, क्या आ गया 1 dot dx आ गया। ठीक है, और 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा x, और साथ में क्या आ जाएगा कांस्टेंट x + c, आपका आंसर हो जाएगा ये, यानी ऑप्शन बी आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, dx और में 1 + cos x दे रखा है, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। ऑप्शन आपके पास दिए हुए यहाँ पे, अब यहाँ आपको आपको पता है 1 + cos x क्या होता है, आपका फॉर्मूला होता है 1 + cos x का, ये आपका होता है 2 cos² क्या हो जाएगा x/2। यहाँ पे अगर 2x होता तो 2x/2 यानी x हो जाता, ध्यान रखना इस एंगल का यहाँ पे हाफ होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे dx ओवर में इसको बदल देंगे 2 cos² x/2 लिख देंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या क्या हो जाएगा, ये 1/2 तो बाहर ले लेंगे कांस्टेंट है, cos²x/2 को ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा sec²x/2 और dx, और sec²x/2 sec²x का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आपको पता ही है sec²x का होता है tan(x/2)। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन आपके पास हो जाएगा tan(x/2) इंटू में अंदर का भी आएगा तो अंदर का क्या आ जाएगा आपके पास 2, जो x/2 का है उसका अंदर आएगा, नीचे आएगा 1/2 हो जाएगा, और जब उल्टा इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, साथ में सी भी चल रहा ध्यान रखना, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा tan(x/2) + c आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी आपका उत्तर हो जाएगा। ये ऑप्शन नहीं होगा, इसके साथ में कॉन्स्टेंट नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, 1 + cos x / x + sin x है dx, इसका निकालना हमें। आप एक बात दिशा ध्यान से ये नोट कर लीजिए पहले, कि fx हो, नीचे कोई फंक्शन है fx, उसका ऊपर डेरिवेटिव दे रखा है, इंटीग्रेशन नहीं डेरिवेटिव, तो आपके पास क्या आ जाता है, जब इसका इंटीग्रेशन खोलोगे तो वो आ जाएगा आपके पास log फंक्शन आ जाएगा अंदर fx + c, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए, जो x + sin x है, अगर आपका इसका डेरिवेटिव करते हो, डेरिवेटिव कीजिए x + sin x का, क्या आएगा आपके पास, x का क्या हो जाएगा 1, और sin x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos x, यानी ऊपर वाला आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाली आपकी फॉर्म हो जाएगी, ये वाली फॉर्म हो जाएगी, तो इसका डायरेक्ट आप लिख दीजिए 1 + cos x + sin x, नीचे वाले डायमीटर का ऊपर डेरिवेटिव दे रखा है, तो इसको आप लिख दोगे log x + sin x + c, ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन दिया गया है, देखिए इस इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में है ना, आपको थोड़ी बहुत शॉर्ट ट्रिक्स हैं, ज़्यादा तो नहीं है, उनसे ही आपको सॉल्व करना पड़ेगा, या बहुत सारे एग्जांपल बन जाते हैं, सारे एग्जांपल तो हम नहीं करवा सकते हैं, लेकिन जो हमें लग रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, वही आपको करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए, देखिए क्वेश्चन तो बड़ा लग रहा है, लेकिन इसके जो आंसर है बिल्कुल छोटे हैं, बहुत ही आसान है ये। आपके पास क्या दिया है, 1 की पावर
सिक्स लॉग एक्स दिया हुआ है, ठीक है। आपको पता है कि अगर ए लॉग बी हो तो हम उसको हम क्या ले सकते हैं, लॉग तो आगे आ जाएगा, जो बी आगे आया हुआ है जो सॉरी ए है जो, वो इसकी पावर में चला जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है यहाँ पे देखिए सिक्स लॉग एक्स है तो इसका क्या बन जाएगा, लॉग एक्स की पावर सिक्स हो जाएगा, ऐसे सभी का हो जाएगा। फाइव लॉग एक्स है तो लॉग एक्स की पावर फाइव हो जाएगा, थ्री लॉग एक्स की पावर थ्री, फोर लॉग एक्स है तो लॉग एक्स की पावर फोर हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे हो जाएगा लॉग एक्स की पावर सिक्स माइनस इधर भी क्या हो जाएगा, ई की पावर लॉग एक्स की पावर पाँच हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा ई लॉग एक्स की पावर चार माइनस में ई लॉग एक्स की पावर क्या हो जाएगा थ्री, इधर आ जाएगा आपका डी एक्स, ठीक है। अब ई से लॉग कैंसिल हो जाता है, आपको पता है तो कैंसिल कर दो, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ गया, एक्स की पावर सिक्स माइनस एक्स की पावर पाँच, और नीचे आ गया एक्स की पावर फोर माइनस एक्स की पावर तीन, और साथ में डी एक्स चल रहा है, ध्यान रखना। यहाँ से आप कॉमन निकाल लो, एक्स केयर कॉमन निकालो, देखिए आपने ऊपर से एक्स केयर कॉमन निकाला तो इधर बच गया एक्स की पावर फोर और इधर बच गया एक्स की पावर क्यूब, नीचे आपके पास पहले से एक्स की पावर फोर एक्स की पावर क्यूब बचा हुआ है और इधर डी एक्स है, ये इसे कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, एक्स केयर डी एक्स बचेगा। इसका कर लो इंटीग्रेशन, क्या होता है पावर बढ़ जाएगी एक, यानी टू प्लस वन हो जाएगी, और नीचे भी क्या हो जाएगा टू प्लस वन, यानी एक्स की पावर क्यूब डिवाइड बाई थ्री, और साथ में कॉन्स्टेंट ये वाला ऑप्शन आपका उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी आपका उत्तर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अब आ गया डेफिनेट इंटीग्रल का, यानी लिमिट पुट कर दी है तो ये डेफिनेट हो जाएगा, यहाँ पे साथ में कॉन्स्टेंट नहीं आएगा, एक बात ध्यान रखना किसी भी ऑप्शन में कॉन्स्टेंट नहीं है। जीरो से वन एक्स ओवर में वन प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट है, डी एक्स है आपको दिखाई दे रहा है, ऊपर एक्स डी एक्स है, अगर नीचे वाले को हम टी वगैरह पुट करें तो टू एक्स डी एक्स बन के ये सोल्व हो सकता है, तो पुट कर लेते हैं इसको, हम पुट कर लेते हैं वन प्लस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर, अंडर रूट भी कैंसिल हो जाएगा साथ में, ये भी आपको ध्यान देना है। इधर डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, टू एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, टू टी डी टी हो जाएगा, टू से टू कैंसिल, यानी एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स डी एक्स की वैल्यू निकालनी जरूरी है, तो क्या आ जाएगी आपके पास टी डी टी आ जाएगी, ठीक है। ऐसी लिमिट का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, लिमिट अभी एक्स इजिकल टू जीरो है तो यहाँ जीरो पुट करो, टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई वन, यानी टी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास वन, जब एक्स की वैल्यू क्या पुट की है आपने जीरो, लिमिट भी चेंज होगी ना, अब एक्स की वैल्यू आप क्या पुट करो वन, अब देखते हैं क्या लिमिट बनती है, वन पुट करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वन प्लस वन, वन का स्केयर करोगे वन और इजिकल टू टी स्केयर, यानी आपके पास आ जाएगा टू इजिकल टू टी स्केयर, तो टी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास अंडर रूट टू, यानी जब एक्स की वैल्यू वन है तो टी की वैल्यू क्या रहेगी, ये टी में चेंज करें तो लिमिट भी टी में चेंज होगी, ध्यान रखना। अब चेंज कर दो सब कुछ, जीरो की जगह तो क्या आ जाएगा टी वन, और जब एक्स की वैल्यू वन है तो टी क्या आ जाएगा अंडर रूट टू। अब एक्स डी एक्स की जगह क्या रखा आपने, टी डी टी रख दो, इधर वन प्लस एक्स स्क्वायर की जगह क्या है टी स्क्वायर है, तो बाहर क्या है इसके अंडर रूट, ये से कट जाएगा तो आपके पास आ जाएगा वन अंडर रूट टू टी, और नीचे भी टी आ जाएगा और डी टी, इसे ही कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा वन अंडर रूट टू, इधर आ जाएगा वन डी टी आ जाएगा, ठीक है। और इसका जब खोलोगे तो क्या आ जाएगा टी डी टी आ जाएगा, सॉरी टी आ जाएगा, और बाहर क्या है लिमिट है वन और अंडर रूट टू, लिमिट रख दो आपके पास क्या आ जाएगा ये अंडर रूट टू माइनस वन, ठीक है, प्लस सी वगैरह आएगा नहीं क्योंकि लिमिट रख रखी है, तो ये वाला आपका ऑप्शन उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी आपका उत्तर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सिक्स, माइनस पाई टू पाई लिमिट देर की है, साइन क्यूब एक्स कोस स्क्वेयर एक्स डी एक्स में सोल्व करना है, ठीक है। एक बात आपको ध्यान रखनी है, जब लिमिट एक माइनस है एक ये माइनस पाई से पाई है, सब प्लस माइनस का चेंज है, तो यहाँ पे अगर फंक्शन एफ एक्स की जगह अगर माइनस एक्स रखें और आपका वो आ जाए माइनस एफ एक्स के इक्वल, अगर चेंज ना हो तो इवन फंक्शन है, चेंज हो गया तो ओड फंक्शन है,
और ऐसे लिमिट दे रखी तो ओड फंक्शन की वैल्यू जीरो होती है, ध्यान रखना आप, ये शॉर्ट ट्रिक्स है। अब यहाँ पे चेक कर लो एक बार, एफ ऑफ एक्स की जगह आपने क्या रख दिया, माइनस एक्स, तो साइन क्या हो जाएगा, इधर माइनस एक्स हो जाएगा और इधर कोस में रखोगे तो इधर ही माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। और ये आपके पास हो जाएगा सारा माइनस का ही हो जाएगा, ये फंक्शन कोस माइनस एक्स क्या होता है, बाहर पॉजिटिव वैल्यू देता है तो कोस एक्स ही होता है, लेकिन ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस का हो जाएगा ये साइन क्यूब एक्स और इधर आ जाएगा कोस स्क्वेयर एक्स, यानी आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का एफ एक्स आ गया, ओड फंक्शन आ गया, ओड फंक्शन आ गया। तो कुछ नहीं करना आपको, ये पूरे की वैल्यू माइनस पाई टू पाई जो भी आपके पास दिया हुआ है, साइन क्यूब एक्स कोस स्क्वेयर एक्स, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 आ गया है। 0 to π/4 है, कोस एक्स ई की पावर माइनस साइन एक्स डी एक्स दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन ऑप्शन आपके आ रहे हैं ई में। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो हम अगर साइन एक्स की जगह टी पुट कर दें, ठीक है, तो आपके पास जब डेरिवेटिव करोगे तो कोस एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा आपके पास, डी टी, ठीक है, ये कोस एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा। और वैल्यूज़ भी आप जब पुट करोगे तो टी की वैल्यू और निकाल लो, ठीक है, टी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, एक्स की वैल्यू यहाँ पे जीरो है, अब इसमें जीरो पुट कर दो, ठीक है, जीरो पुट करोगे तो साइन जीरो हो जाएगा इधर टी, ठीक है, तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो, यानी जीरो पुट करने से आपके पास टी की वैल्यू भी जीरो आई। एक बार आप क्या पुट कर लो, एक्स की वैल्यू पाई बाई फोर, जब पाई बाई फोर पुट करोगे तो साइन पाई बाई फोर और इधर टी हो जाएगा, साइन पाई बाई फोर आपका क्या होता है, 1/√2 होता है और इधर टी, यानी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स पाई बाई फोर है तो टी की वैल्यू हो जाएगी 1/√2। एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे पाई बाई टू है, पाई बाई फोर नहीं है, यहाँ पाई बाई टू रखोगे तो साइन पाई बाई टू 90 डिग्री पे वैल्यू कितनी होती टी की, ये कट जाएगा, टी की वैल्यू आपकी होगी 1, ध्यान रखना, ठीक है, ये पाई बाई टू है। तो लिमिट भी आ गई है, सब कुछ आ गया, पुट कर दीजिए आप, जीरो है तो टी भी जीरो रहेगा, और जब एक्स पाई बाई टू है तो टी की वैल्यू 1 है, और कोस एक्स डी एक्स की जगह क्या रख दो, डी टी, इस पूरे की जगह डी टी आ गया, और ई की पावर क्या आ जाएगा, साइन एक्स की जगह अपने पास क्या पुट गया, टी, ई की पावर टी आ गया, इंटीग्रेशन ई की पावर टी का क्या होता है, ई की पावर टी ही होता है, ठीक है, लिमिट साथ में रहेगी 0 से 1, तो एक बार तो आप क्या पुट कर दोगे, 1 ई की पावर 1, और एक बार क्या पुट कर दोगे, माइनस में ई की पावर 0, तो ये हो जाएगा ई माइनस 1 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपके पास आ गया 8, माइनस पाई बाई फोर से पाई बाई फोर दिया है, डी एक्स ओवर में 1 + cos 2x, ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं शायद, बस लिमिट नहीं थी उसमें। अब एक चीज़ आप यहाँ पे भी ध्यान रखना, अगर माइनस ए टू ए लिमिट दे रखी है एफ एक्स डी एक्स की, तो आप उसको 2 बार ले सकते हो, 0 to a एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हो उसको, ठीक है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, 2 बार कर देंगे और 0 से क्या कर देंगे, पाई बाई फोर और इधर आपके पास क्या है, डी एक्स ओवर में 1 + cos 2x, इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या आ जाएगा आपके पास, ये 1 + cos 2x क्या होता है आपके पास, अभी 2 बाहर है ध्यान रखना। देखिए 1 + cos x होता है 2 cos²x/2, और ये आपके पास हो जाएगा 2 cos²x हो जाएगा, क्योंकि ये आपके पास 2x है ना, इसका हाफ होता है यहाँ पे, ठीक है, और इधर आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 बाहर आ जाएगा ये वाला भी, और डी एक्स के ओवर में आ जाएगा cos²x हो गया, 2 से 2 कैंसिल, और ये आपके पास इसको मैं 1 / cos²x है, इसको ऊपर ले जाऊँगा, ये हो जाएगा sec²x dx, और sec²x क्या होता है, साथ में लिमिट चल रही है पाई बाई फोर, ध्यान रखना 0 से π/4, ये आपका होता है टेंजेंट एक्स, ठीक है, और साथ में क्या है, लिमिट है आपकी 0 से π/4, तो एक बार तो π/4 वैल्यू हो जाएगी टेंजेंट π/4,
माइनस में क्या हो जाएगी, एक बार जीरो, टेंजेंट जीरो, टेंजेंट जीरो जीरो होता है, टेंजेंट पाई बाई फोर कितना था, वन। तो आपका ऑप्शन कितना हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। ज़्यादातर टाइप हम कर चुके हैं, फिर भी कोई टाइप रह जाए तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, आप वो वाली करवा देंगे। ये दिया हुआ है ई की पावर एक्स है, साथ में है एक्स स्क्र प्लस टू एक्स प्लस डी एक्स, ये दिया हुआ है, ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं। तो इसका ऑप्शन उत्तर क्या होगा, एक फॉर्मूला होता है आपके पास ई की पावर एफ एक्स, यहाँ पे एफ एक्स हो, साथ में क्या दे रखा हो एफ डैश एक्स, यानी एफ एक्स का डेरिवेटिव साथ में हो और डी एक्स हो, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला, डायरेक्ट उत्तर होता है कि ई की पावर एफ एक्स प्लस सी, ये वाला इसका उत्तर हो जाएगा। तो देख लीजिए आप, आपके पास क्या दिया हुआ एक्स स्क्र, जब एक्स स्क्र का आप डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स क्या हो जाएगा, टू एक्स आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या दे रखा है, ये एफ एक्स है और ये इसका एफ डैश एक्स है। तो आपके पास डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो आप इसका, ई की पावर एक्स एक्स स्क्र प्लस टू एक्स डी एक्स का आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स और एफ एक्स आपका क्या है, ये एक्स स्क्र, तो इनटू में एक्स स्क्र प्लस सी, ये वाला ऑप्शन आपका उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, बी आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो का सोल्यूशन लेकर। तब भी आपके लिए जितने क्वेश्चन मान सकते हैं मैक्सिमम वो क्वेश्चन लेकर आएंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फ्रेंड्स।